Hey everyone, welcome to Shwam's IAS. My name is Shwangi Sharma, and yes, today I'm with chapter 5 of class 12 microeconomics, which is market equilibrium. So the chapter starts from कि हमने क्या पढ़ा. हमने अभी तक पढ़ा कि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो बताता है कि एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को डिफरेंट प्राइजेस में, अगर अलग अलग प्राइजेस है तो कितनी क्वांटिटी में उसको खरीदना चाहता है. एंड द मार्केट डिमांड को बताता है कैसे एक कमोडिटी, मतलब उसी कमोडिटी को सारे कंज्यूमर्स, ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट मतलब खरीद सकते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट प्राइजेस. और चैप्टर फोर में हमने देखा कि इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई को बताता है कि एक इंडिविजुअल फर्म कितनी कमोडिटी बेचना चाहता है डिफरेंट प्राइजेस में कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए. और मार्केट सप्लाई को में हम सेम चीज़ देखते हैं, बट नॉट ऑफ अ इंडिविजुअल सेलर बट ऑल द सेलर्स, ठीक है. सो इस चैप्टर में हम बेसिकली कंज्यूमर्स और फर्म्स का इक्विलिब्रियम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है. सो इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे वर्ड से पता चल रहा है, इट स्टैंड्स फॉर इक्वल और बैलेंस, ठीक है. इक्विलिब्रियम होता है या तो इक्वल हो या तो बैलेंस हो चीजें, ठीक है. अभी हम पढ़ने वाले हैं. एक कंज्यूमर कोई भी चीज़ खरीदता है अपना प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए, और कोई भी फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो चीज़ को बेचता है, ठीक है. कोई भी चीज़, अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन अ मार्केट, ठीक है. सपोज दिस इज़ अ कमोडिटी इन अ मार्केट एंड दिस इज़ अ कंज्यूमर एंड दिस इज़ अ प्रोड्यूसर. अ प्रोड्यूसर सेल्स दिस कमोडिटी टू गेट प्रॉफिट एंड अ सेलर बाय दिस कमोडिटी फॉर इट्स प्रेफरेंस, जो भी उसको चाहिए, इट्स यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन, इज कंजप्शन, राइट. सो एन इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर द प्लान्स ऑफ द कंज्यूमर एंड फर्म्स इन द मार्केट मैच एंड मार्केट क्लियर्स. मतलब एक फर्म का माइंडसेट होता है कि मैं इतना प्रोडक्ट बेचूंगा, ठीक है, इतना बेचूंगा. और एक कंज्यूमर का होता है कि मैं इतना खरीदूंगा. व्हेन दिस एंड दिस turns out as equal, the situation is known as equilibrium, ठीक है. मतलब एक कंज्यूमर का क्या प्लान है और फर्म का क्या प्लान है, जब ये मिल जाता है, इक्वल हो जाता है, इस मैच कर जाता है, डैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है. इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं एग्रीगेट क्वान्टिटी ऑफ ऑल फर्म्स, वो जो बेचना चाहते हैं, मतलब जब ऑल कंज्यूमर्स, the quantity that all consumers wish to buy is equal to the aggregate quantity of all firms. यहाँ पर हमने single single लिया था, the same comes for all firms, ठीक है. Suppose all firms of the market and all consumers, ठीक है, this and this, ठीक है, this will produce the product and this will what? This will buy the product, right? So जब इनका और इनका प्लान आपस में मैच कर जाता है, द गिवन सिचुएशन इज टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम, ठीक है. अब इक्विलिब्रियम का जो प्राइस है, मतलब अ फर्म हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स प्राइस एट द रेट, सेल इट्स कमोडिटी एट द रेट ऑफ 10% पर यूनिट, ठीक है. एंड द कंज्यूमर इज ऑल्सो हैज़ द विश टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट द रेट ऑफ 10%, और 10% इज गोना बी द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओके. इक्विलिब्रियम प्राइस इज द अमाउंट जिसमें इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम मैच करता है, सेलर और बायर का जब इक्विलिब्रियम मैच करता है तो एक पर्टिकुलर प्राइस में करेगा ना, दैट प्राइस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस. और जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है. सो इट्स गोइंग फर्दर. इफ अ देखो, सपोज कि देर इज अ फर्म एंड अ बायर, ठीक है, नॉट सिंगल सिंगल बट कंसीडर देम एज एग्रीगेट, ओके, ऑल बायर्स एंड ऑल
ऑल सेलर्स एंड ऑल बायर्स, ठीक है। अगर अ बायर, जो बायर की सप्लाई है डेट इज़ ऑफ 50 यूनिट्स, ठीक है, बट द सेलर वॉन्ट टू बाई ओनली 45 यूनिट्स, ठीक है, तो द रेस्ट इज़ 5 इज़ द एक्सेस सप्लाई, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ये नहीं चाहिए था हम लोगों को, वी नीड ओनली 45 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स उस फर्म ने एक्स्ट्रा दिए हैं, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एन एक्सेस सप्लाई, इसकी सप्लाई की तो ज़रूरत थी ही नहीं, ठीक है। रिलेटिवली इफ अ कंज्यूमर को ज़रूरत है ऑफ 50 गुड्स, द डिमांड, कंज्यूमर की तो डिमांड होती है, राइट, द डिमांड इज़ ऑफ 50 गुड्स, बट द सेलर सप्लाईज ओनली 45 गुड्स, 45 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है। सो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्सेस डिमांड, ओके। सो एक जब इक्विलिब्रियम होता है, सो इन द इक्विलिब्रियम देयर इज जीरो एक्सेस डिमांड एंड जीरो एक्सेस सप्लाई। आई होप अब तो आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। आउट ऑफ इक्विलिब्रियम बिहेवियर, ठीक है, जब ऐसा होता है कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट पे जो एक इम्बैलेंस रह जाता है, ठीक है, सॉरी इम्बैलेंस रह जाता है, मतलब देर इज़ नो इक्विलिब्रियम, सो डार्ट मार्केट इज प्लेइंग अ इनविजिबल हैंड, एक इनविजिबल हैंड है, मतलब इसका एक वो नहीं है, ठीक है, मतलब देर इज़ नो बैलेंस, या तो वहाँ पे एक्सेस सप्लाई होगा या तो एक्सेस डिमांड होगा। मार्केट इक्विलिब्रियम फिक्स नंबर्स ऑफ फर्म, देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो प्राइस है, सॉरी जो डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है और जो सप्लाई है वो अपवर्ड स्लोप करती है, क्यों, क्योंकि किसी भी डिमांड का, सॉरी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तब डिमांड, तब सप्लाई बढ़ जाती है ना, मतलब कोई भी पर्टिकुलर, दिस इज़ द क्वांटिटी एंड दिस इज़ द प्राइस, ठीक है, जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड गिर जाती है, राइट। सो द पॉइंट वेयर द सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व मीट, दिस पॉइंट इज गोना बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। सो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कंज्यूमर्स, जितनी उनको कमोडिटी चाहिए, देर इज़ एन इनसफिशियंट क्वांटिटी, ठीक है, और अगर देखो सपोज कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग की डिमांड है बहुत मार्केट में, सपोज दिस इज़ अ डिमांड ऑफ अ नेसेसिटी, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सोप, सोप तो हर हाउस होल्ड को चाहिए ही चाहिए, अगर सोप की सप्लाई कम है, टेक एन एग्जांपल, अगर सोप की सप्लाई है सिर्फ 30 यूनिट्स, ठीक है, जब सोप की सप्लाई कम है बट लोगों की डिमांड इज़ अबाउट 60, ठीक है, तो जो 30, तो अब जो लोग होंगे जिनको अगर 60 की डिमांड है और सप्लाई कम है तो उसका रेट अपेरेंटली बढ़ जाएगा, ठीक है, लोग इसको, अगर सपोज 10 रुपये का साबुन आता था तो वो 15 के रेट में भी अभी खरीद लेंगे बिकॉज सप्लाई कम है और नेसेसिटी है ना। सो ऐसे टाइम पे जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाता है, द मार्केट प्राइस टेंड टू इंक्रीज, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रिवेलिंग प्राइस है P2 और जो सप्लाई है वो Q2, ठीक है, तो अगर मार्केट डिमांड है वो एक्सीड हो जाता है Q-2 में, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल, सो एट द प्राइस गिविंग राइज टू एक्सेस सप्लाई, अगर देखो किसी भी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ता है, ठीक है, सोचो सपोज देर इज अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, अगर उस कोल्ड ड्रिंक का जब तक उसकी सप्लाई कम होगी उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, 80 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक 100 रुपीज़ में सेल हो रही है, ठीक है, जब 100 रुपये की कोई भी चीज़ खरीद रही होगी तो फर्म को तो पता चलेगा ना कि 100 रुपये की कोई भी चीज़ बिक रही है, तो इसका मतलब उसका रेट अभी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा और प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो उसी रेट में बिक जाए, बट अपेरेंटली जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो उस चीज़ का रेट अब
अपनी पर्टिक जो उसकी ओरिजिनल रेट है उसमें आ जाता है, ठीक है। अगर क्वांटिटी है तो फर्म उस अपनी क्वांटिटी को, अगर फर्म के पास ज़्यादा क्वांटिटी है या फिर इक्वल क्वांटिटी है तो प्राइस गिर जाता है। सपोज एक कमोडिटी है, ठीक है, टेक एन एग्जांपल ऑफ सोप का एग्जांपल ले लेते हैं। सोप की 90 यूनिट्स अवेलेबल है एट द मार्केट, बट नेसेसिटी है सिर्फ 60 यूनिट्स की, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में फर्म अपने सोप का रेट 10% से रिड्यूस करके 8% कर देगी ताकि वो जल्दी बिक जाए, ठीक है। ऐसा भी होगा बिकॉज अब फर्म तो नहीं चाहेगी ना कि उनका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाए, वो तो लॉस में चला जाएगा, इसीलिए वो अपना रेट कम करके चीज़ों को बेच देती हैं, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिटर्मिनेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो, दिस इज़ क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज़ क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। सो इनको अगर हम कैलकुलेट करेंगे विद द गिवन फॉर्मूला एंड द सिचुएशन, तो जो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो प्राइस निकल करके आता है डैट इज़ 40, ठीक है। और हमें अगर ये निकालना है तो हमें 200 जो भी ऊपर था 200 से 40 को रिड्यूस करना पड़ेगा, विच इज़ 160, ओके। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज गॉन बी, अब देखो प्राइस यहाँ पे 160 हमने निकाल दिया था, अगर 160 है तो प्राइस 25 है, ठीक है। सो अगर हम इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2P इज़ गॉन बी 80, ठीक है। तो इधर अगर प्राइस जो है उसका किसी भी पर्टिकुलर थिंग का वो उस प्राइस से ज़्यादा है जो मार्केट प्राइस है, उससे प्राइस ज़्यादा है तो लोग वो चीज़ नहीं खरीदेंगे, है ना। क्योंकि अगर प्राइस कम है, मतलब प्राइस ज़्यादा है, इट मीन्स देर इज़ एक्सेस, सॉरी, अगर कोई भी प्राइस है ग्रेटर देन पी देर विल बी एक्सेस सप्लाई एंड प्राइस लोअर देन पी इज़ गोना बी एक्सेस डिमांड, ठीक है। सो वेज डिटर्मिनेशन इन लेबर मार्केट, इधर देखो लेबर है, लेबर का सिचुएशन उल्टा होता है बिकॉज यूजुअली फर्म हम लोगों को चीज़ें प्रोडक्ट करती है और हम चीज़ें प्रोवाइड करवाती है और हम फर्म से चीज़ें खरीदते हैं, बट लेबर मार्केट में अपोजिट होता है बिकॉज फर्म को लेबर की ज़रूरत होती है, राइट। फर्म को लेबर की ज़रूरत होती है और लेबर कहाँ से देता है, लेबर देते हैं हम लोग, एनी भी कोई हाउस होल्ड है वही तो लेबर का काम करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लेबर मार्केट है उसका सिचुएशन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। लेबर से यहाँ पे मतलब है कितना काम लेबर्स देते हैं, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, अब देखो डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज देखो अगर डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज है कंज्यूमर के, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, साइज ऑफ द मार्केट, प्राइजेस ऑफ इनपुट एंड प्रोडक्शन, ठीक है। ये सब कुछ कॉन्स्टेंट होने चाहिए, इन सब की वजह से जो है चीज़ें आ सकती है। हाउएवर विद चेंजेस इन वन और मोर ऑफ दिस फैक्टर इधर द सप्लाई और डिमांड कर्व और बोथ में भी शिफ्ट, अगर इनमें चेंजेस आ रहे हैं तो या तो सप्लाई कर्व में चेंज आएगा या तो डिमांड कर्व में चेंज आएगा या तो दोनों में ही चेंज आ जाएगा, ठीक है। और जो कि हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को अपेरेंटली इफेक्ट करेगा, ठीक है। डिमांड शिफ्ट, अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे हम पहले वो पढ़ लेते हैं कि फिगर पॉइंट 5.2 को कंसीडर करना है जिसमें डिमांड कर्व है DD, मार्केट सप्लाई इज SS, इंटरसेक्टिंग सो Q एंड P आर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस रिस्पेक्टिवली हेयर, ठीक है। इधर देखो अगर हम सपोज करें जो मार्केट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करता है राइट वर्ड टू DD2 हेयर, दिस कर्व शिफ्ट इंटू DD2 विद सप्लाई कर्व रिमेनिंग अनचेंज, जो सप्लाई कर्व है वो अनचेंज ही रहेगा, यही रहेगा सप्लाई कर्व, ठीक है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। देखो दिस शिफ्ट इंडिकेट्स दैट एनी प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन बिफोर, क्योंकि देखो अगर ये सिचुएशन है तो पहले का जो प्राइस था डैट इज P, बट P0, बट अब जो चेंज आएगा तो उसमें प्राइस बढ़ करके P2 हो जाएगा, है ना, और G विल बी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उधर सेम क्वांटिटी भी Q0 से Q2 में
चेंज हो जाएगी, राइट? वैसे ही अगर हम देखें कि जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करता है लेफ्ट लेफ्ट साइड, जिसमें भी हमारा एसएस स्टिल है, ठीक है? तो इधर जो प्राइस है वो भी P0 से हट के P1 में पहुंच जाएगा और क्वांटिटी भी डिक्रीमेंट कर जाएगी, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो होगा पॉइंट एफ, ठीक है? सो सपोज करो कि कोई भी कंज्यूमर है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आ जाता है, उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेगा? हो सकता है। देखो विद एन इंक्रीज हम तो, अगर अगर किसी की भी इनकम में इंक्रीमेंट है, इसका मतलब कंज्यूमर ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है ऑन द सेम गुड, ठीक है? बट अगर एक कंज्यूमर जो है, हमने पहले पढ़ा था, वो इन्फीरियर गुड में कम पैसे खर्च करता है, और जबकि नॉर्मल गुड्स में वो ज़्यादा पैसे खर्च करता है। अब उस वो भी डिपेंड करता है कि उस की कमोडिटीज़ का प्राइस क्या है और टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है कंज्यूमर की, ठीक है? वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। वी वुड एक्सपेक्ट द डिमांड ऑफ गुड इंक्रीज अगर अगर बायर की इनकम में इंक्रीमेंट है, तो डिमांड में भी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, और जो शिफ्ट है वो सॉरी जो कर्व है, जो लाइन है, वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जानी चाहिए, ठीक है? अब सपोज करो कि देर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर, किसी भी रीजन से कंज्यूमर में इंक्रीमेंट आ जाता है, कि जितने कंज्यूमर है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, मार्केट की, सबसे क्लोथ्स की मार्केट में। अगर कंज्यूमर का जो, देखो अगर कंज्यूमर इंक्रीज हो रहे हैं, अदर फैक्टर अनचेंज ही रहेंगे एट ईच प्राइस, मोर क्लोथ विल बी डिमांडेड, ज़्यादा क्लोथ्स की डिमांड आएगी बिकॉज ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूमर है। सपोज अभी तक सिर्फ दो ही कंज्यूमर्स थे, ठीक है, आपके मार्केट पे, तो ये दो कंज्यूमर मुश्किल से 4 क्लोथ्स की डिमांड करते थे, बट अपेरेंटली देयर इज वन मोर कंज्यूमर इन द मार्केट, तो ये बढ़ के 7 हो जाता है, डिमांड बढ़ के 7 क्लोथ्स का बढ़ जाता है, तो डिमांड में तो इंक्रीमेंट आएगा, तो डिमांड कब जाए वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं सप्लाई शिफ्ट के बारे में। इधर भी हम पहले वो पढ़ते हैं, सपोज करो किसी भी रीजन से जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट वर्ड टू SS2, ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको? बाकी जो है डिमांड कर्व कांस्टेंट है, डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अब एस जो सप्लाई है उसमें शिफ्ट आ रहा है, प्राइस में भी शिफ्ट आएगा, P0 से P1 में शिफ्ट आ जाएगा, और सेम क्वांटिटी, जो क्वांटिटी थी विच वॉज फर्स्ट दिस विल कम इन टू दिस। तो इधर देखो क्वांटिटी में डिक्रीमेंट, प्राइस में इंक्रीमेंट, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर क्वांटिटी में इंक्रीमेंट, क्वांटिटी कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा, है ना? सो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज गोना बी जी, ठीक है? सिमिलरली अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, तो क्या होगा, हमारा प्राइस कम हो जाएगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? लार्ज क्वांटिटी इज इक्वल टू लेस प्राइस, राइट? सो इधर जो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा डैट इज गोना बी एफ, ओके, इजी। सो अगर हम कंसीडर करते हैं एक सिचुएशन जिसमें हर एक जो अलग अदर चीज़ है वो सारी कांस्टेंट है, ठीक है, उधर किसी भी इनपुट में, किसी भी चीज़, किसी जो इनपुट है, ठीक है, सपोज हमने पहले बात करी थी कि आप शुगर बनाते हो, तो आपका इनपुट क्या होगा, योर इनपुट इज गोना बी द शुगर केन। अगर शुगर केन की रेट पे आ जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो अब जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसमें भी इंक्रीज होगा, है ना? तो फिर जो मार्केट सप्लाई होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक फर्म ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहेगी, ठीक है, तो शुगर कम प्रोड्यूस होगी बिकॉज शुगर केन का रेट बढ़ रहा है, सो देयर विल बी द मार्केट सप्लाई विल बी लेस देन बिफोर, ठीक है? लेट अस डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज। सपोज उसी मार्केट में फर्म्स में इंक्रीमेंट हो जाता है,
अभी तक दो फर्म थे, ठीक है, दो फर्म थे तो वो प्रोड्यूस करते थे अराउंड 10 यूनिट्स, और एक थर्ड प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो टोटल जो प्रोडक्शन हो जाती है वो हो जाती है 15 यूनिट्स की, ठीक है। अगर 15 यूनिट्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, सो आर डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइट। अब डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों में चेंज ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कि चार मेन वेज हो सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड कर्व दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, या फिर सप्लाई और डिमांड कर्व दोनों ही लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाए। उसके अलावा सप्लाई कर्व राइटवर्ड हो जाए, सॉरी सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाए और डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाए राइटवर्ड, और सेम जो सप्लाई कर्व है वो पूरा राइटवर्ड आ जाए और जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाए, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ऐसा होगा ये टेबल के थ्रू समझेंगे ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा। देखो डिमांड और सप्लाई दोनों में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ रहा है तो जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, बट प्राइस या तो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज करता है, या अनचेंज भी रह सकता है, ठीक है। और अगर डिमांड कवर सप्लाई दोनों में ही राइट वर्ड शिफ्ट है तो इंक्रीज आ जाएगा और प्राइस में भी सेम, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज या तो अनचेंज रहेगा। अगर जो शिफ्ट है वो लेफ्ट वर्ड, डिमांड का जो शिफ्ट है वो लेफ्ट वर्ड चला जाता है और सप्लाई का राइट वर्ड चला जाता है तो क्वांटिटी या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज हो सकती है या तो अनचेंज रह सकती है, बट प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर राइट वर्ड शिफ्ट कर जाता है डिमांड का कर्व और सप्लाई का कर्व शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट वर्ड, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी या तो बढ़ेगी या तो डिक्रीज करेगी या तो अनचेंज रहेगी, जबकि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो हेयर इज़ द ग्राफ ऑफ द वेरी सेम। अब हम पढ़ते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम में देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। किसी भी फर्म पे कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि ये फर्म नहीं आ सकती या ये फर्म अभी छोड़ के नहीं जा सकती, दे आर फ्री टू एंट्री एंड फ्री टू एग्जिट, ठीक है। इस अजम्पशन का क्या मतलब बनता है? इट एम्प्लाइज डैट इन इक्विलिब्रियम कोई भी फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं बियर करती है। इन अदर वर्ड्स इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट की इक्वल होता है। हमने पहले भी पढ़ा था द कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज टू द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सो जब ये सिचुएशन है तो कोई भी फर्म ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी और ना ही लॉस अर्न करेगी। अब ऐसा ऐसा होता है कि जब जब कोई भी फर्म में ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है तो उस मार्केट में फर्म में चेंजेस नहीं देखने को मिलते। फर्म में चेंजेस कब देखने को मिलते हैं? फर्म जब कम प्रॉफिट अर्न कर रही होती है तो फर्म मार्केट छोड़ के चली जाती है, और जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है तब और ज़्यादा फर्म इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट। बट जब इक्विलिब्रियम हो रहा जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है देयर इज नो इनपुट सॉरी नो एंट्री एंड नो एग्जिट ऑफ फर्म, ठीक है। देयरफॉर अगर फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है इसका मतलब है कि जो मिनिमम कॉस्ट है मिनिमम एवरेज कॉस्ट है प्राइस उसकी इक्वल रहेगा। ओके, सो देर इज एन एग्जाम्पल। सो इधर जो क्वांटिटी डिमांडेड है दिस इज दिस, और जो प्राइस है वो यहाँ सॉल्व करके हमें मिलता है 20। तो अगर ये हमारा प्राइस है तो हमें इसे इधर ले जाना पड़ेगा राइट हियर एंड विल गेट आर क्वांटिटी। आर क्वांटिटी इज 80, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फर्म जो फर्म सप्लाई करता है डैट इज 30। सो अगर हमें इक्विलिब्रियम जाना है सो वी हैव टू डिवाइड दिस फ्रॉम दिस एंड दिस 6। सो 6 इज द नंबर ऑफ 6 इज द इक्विलियम नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है। शिफ्ट एंड डिमांड, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है फर्म की, इसका मतलब है कि प्राइस इक्वल रहेगा। इक्वल टू व्हाट? मिनिमम एवरेज कॉस्ट, है ना। एग्जिस्टिंग फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है मिनिमम एवरेज कॉस्ट है उसी की इक्वल रहने वाला है प्राइस, ठीक है। तो
जब ऐसी कंडीशन होती है, इवन इफ द मार्केट डिमांड कर्व शिफ्ट इन ईदर डायरेक्शन, अगर मार्केट डिमांड का जो कर्व है वो किसी भी साइड में शिफ्ट कर जाए, जो सप्लाई है मतलब डिजायर्ड क्वांटिटी की जो सप्लाई है वो सेम ही रहेगी एट द सेम प्राइस। अब फिगर 1.6 में डी डी इज द डिमांड, ठीक है, पी डिनोट्स द प्राइस इक्वल्स टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म। ठीक है, सपोज करो एक डिमांड कर्व शिफ्ट करता है राइट किसी भी रीजन से, ठीक है, तो प्राइस में द प्राइस एट प्राइस देर विल बी एक्सेस डिमांड फॉर द कमोडिटी एट पी जीरो। सम डिससेटिस्फाइड कंज्यूमर विल बी राइटिंग पे हायर प्राइस ऑफ द कमोडिटी सो डैट प्राइस टेंस टू राइज। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो किसी भी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो मार्केट में नए फर्म्स आएंगे, सॉरी। बट अगर डिमांड कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है एंड देयर इज एन डिक्रीमेंट, तो वैसे ही ऑल फर्म्स जो है वो मार्केट छोड़ के जाएंगे जो पहले के भी थे। सो ड्यू टू अ शिफ्ट इन डिमांड राइट वार्ड और लेफ्ट वार्ड, द इंक्रीमेंट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ द फर्म विल इंक्रीज और डिक्रीज, वेयर एज द इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, एप्लीकेशंस। सो इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई डिमांड एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जाती है, ठीक है। कभी कभार गवर्नमेंट को नेसेसरी हो जाता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक लिमिटेड या मैक्सिमम प्राइस देना, ठीक है, या तो वो ज़्यादा ही, कभी ऐसा होता है कभी ज़्यादा ही हाई चला जाता है या ज़्यादा ही लो चला जाता है अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड लेवल। इसीलिए गवर्नमेंट एक वो लगा देती है, ठीक है, रेगुलेट कर देती है प्राइजेस को। फर्स्ट इज़ द प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग एक लिमिट होती है, इट इज़ द अपर लिमिट। सीलिंग एंड फ्लोर, सीलिंग इज़ द अपर एंड फ्लोर इज़ द लोअर। तो सीलिंग, प्राइस सीलिंग इज़ द अपर रेट। सपोज विल टेक एन एग्जांपल ऑफ वीट। अगर वीट है तो वीट में गवर्नमेंट ने अपर लिमिट लगा दी है ऑफ 80 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, जस्ट दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एन एग्जाम्पल, ठीक है, और फ्लोर रेट लगा दिया है 20 रुपीज़ पर, नॉट 20 रुपीज़ बट 40 रुपीज़ पर केजी। तो अगर कोई भी फार्मर उसे बेच रहा है तो कम से कम वो 40 रुपये में बेचेगा या उससे ज़्यादा बेचेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये, 80 रुपये से ज़्यादा वो उसको नहीं बेचेगा। सो 80 रुपये इज, 80 रुपीज़ इज़ गोना बी द प्राइस सीलिंग एंड 20 रुपीज़ इज़ गोना बी द प्राइस फ्लोर, ठीक है। फिर सो यहाँ पे द क्वांटिटी एंड दिस प्राइस, इस पॉइंट में जहाँ पे ये सप्लाई कम और डिमांड का हिट करेगा, ये प्राइस सीलिंग का इफेक्ट देगा, क्योंकि प्राइस सीलिंग में प्राइस फिक्स रहेगा और क्वांटिटी भी फिक्स रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो प्राइस है वो तो गवर्नमेंट फिक्स कर देगा, तो हमें पता होगा कि दिस इज़ द प्राइस, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द, और जो प्राइस है वो गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली तो क्वांटिटी ही शिफ्ट करेगी, तो जो पॉइंट आएगा बीच में दैट इज़ गोना बी द इक्विलिब्रियम, सेम इज़ गोना बी ऑन द फ्लोर, प्राइस फ्लोर, ठीक है। जैसे अगर हम देखें जो एग्रीकल्चरल प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाता है मैक्सिमम टाइम, इसीलिए गवर्नमेंट एक लोअर लेवल सेट कर देती है कि इससे कम तो वो पर्टिकुलर चीज़ बिकेगी ही नहीं, ठीक है। सेम इम्पैक्ट आता है ऐसे जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम पी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इम्पोजिशन ऑफ प्राइस फ्लोर पी वन गिव्स राइज टू एन एक्सेस सप्लाई। जब प्राइस शिफ्ट हो जाएगा तो एक्सेस सप्लाई में राइज आ जाता है, ठीक है, और अपेरेंटली ऑन द प्राइस, ऑन द सील प्राइस सीलिंग उधर एक्सेस डिमांड में वो आता है, ठीक है, डिमांड में एक्सेस होता है ना कि सप्लाई में। सो हियर दैट इज इट फॉर द लास्ट चैप्टर ऑफ इक्विली लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12। सो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्लास 12 की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो IAS के पर्सपेक्टिव में इतना ज़रूरी नहीं होता, बट UPSC के अदर एग्जाम्स सच एज CDS उसमें इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन इतने ब्रीफली नहीं आते हैं, आते तो हैं बट इतने ब्रीफली नहीं आते हैं, ठीक है। सो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ IAS माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप CDS और ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से काफ़ी मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करती है। सो येस दैट इज़ इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।